हेलो एवरीवन डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में आज हम देखेंगे डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में और इस टॉपिक को लाइन कोडिंग भी बोलते हैं तो डिफरेंट टाइप की लाइन कोडिंग्स हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती हैं तो उन सबको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर तो होता क्या है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन या फिर लाइन कोडिंग नाउ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ बाइनरी डेटा विच इज ऑल्सो अ सिक्वेंस ऑफ बेट्स टू डिजिटल सिग्नल कि जो बाइनरी डेटा है या सीक्वेंस ऑफ बिट्स है उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना अब कोई सी भी फाइल होगी आपकी चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं सीक्वेंस ऑफ बिट्स के अंदर जीरो वन के अंदर तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी डेटा अब इसको हम जो हम भेजेंगे किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर नेटवर्क के ऊपर तो उसको हमें एक डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो देखो वो होता है कैसे एक प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में लाइन कोडिंग का मतलब क्या है कैसे सिग्नल बनता है बाद में तो सपोज़ आप हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है सीक्वेंस ऑफ बिट्स कुछ इस तरह से हैं ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन कुछ ये हमारे पास डेटा है सीक्वेंस ऑफ बिट्स भी बोल सकते हैं इसको या फिर हम बाइनरी डेटा भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीक्वेंस ऑफ बिट्स और इस सीक्वेंस ऑफ बिट्स को हम पास कर रहे हैं एक लाइन कोडिंग के प्रोसेस से तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा एक डिजिटल सिग्नल तो डिजिटल सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम पल्सिस की फॉर्म में करते हैं हाई और लो तो ज़ीरो के लिए लो रहेगा तो सपोज ये इंटरवल है दो सिग्नल्स के लिए लो फिर एक हाई आया तो हाई से शो करेंगे फिर एक लो गया फिर दो हाई हैं तो ऐसे हम शो कर देंगे तो ये हमें डिजिटल सिग्नल एक मिल जाता है और यही काम है किसका लाइन कोडिंग का ठीक है सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइन कोडिंग अब जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है कि लाइन कोडिंग या लाइन कोड्स कितने टाइप के होते हैं या फिर इनकी क्लासिफिकेशन क्या है सो so बेसिकली इनको तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है यूनिपोलर पोलर एंड बाईपोलर नॉ फिर इनके अंदर और भी ज़्यादा हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है जैसे यूनिपोलर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रिटर्न टू ज़ीरो आर जेड या फिर नॉट रिटर्न टू ज़ीरो एन आर जेड ऐसी पोलर के भी दो तो यही होते हैं रिटर्न टू ज़ीरो और एक होता है नॉन रिटर्न टू जीरो और साथ में इसमें एक और होता है उसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर एनकोडिंग एक और है जिसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ठीक है देन बाई में एक होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ए एम आई ठीक है इन सब के बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है सो so, बेसिकली अब देखते हैं कि यूनिपोलर का मतलब क्या है सो so, यूनिपोलर मीन्स ओनली वन वोल्टेज ओनली वन वोल्टेज लेवल दैट इट यूज ओनली वन वोल्टेज लेवल अदर देन जीरो कि ज़ीरो के अलावा सिर्फ एक वोल्टेज लेवल को ये यूज़ करता है इसका मतलब या तो किसी सिग्नल की वोल्टेज प्लस ए होगी या फिर उसकी वोल्टेज जीरो होगी तो अगर वन है तो हम उसको शो करते हैं प्लस ए से और अगर जीरो इनपुट है तो उसको हम शो करते हैं ज़ीरो वोल्ट से सो दैट इज़ यूनिपोलर देन इसके बाद देखते हैं पोलर न तो पोलर पोलर इट यूजिस टू वोल्टेज लेवल्स अदर देन ज़ीरो सो इट यूजिस टू वोल्टेज लेवल्स अदर देन जीरो और वो होते हैं प्लस ए बाई टू एंड माइनस ए बाई टू ठीक है डिटेल में आगे देखेंगे इसी वीडियो में जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ए बाई टू प्लस ए प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू कब कब होते हैं नाउ बाईपोलर के अंदर होते हैं हमारे पास थ्री वोल्टेज लेवल्स दैट इट कंटेन्स थ्री वोल्टेज लेवल्स and they are simply positive, negative and zero. so positive, negative and zero. but अब देखो इसमें इसमें और पोलर में कोई डिफ्रेंस नहीं लगेगा क्योंकि पोलर में भी तीन लेवल ही यूज़ हो रहे हैं एक तो ज़ीरो लेवल और दो ए बाई टू और माइनस ए बाई टू यहाँ पे भी हम तीन लेवल्स को यूज़ कर रहे हैं बट जो यहां पे जीरो है इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द जीरो सो बाईपोलर में जो जीरो है वो हमेशा जीरो को ही रिप्रेजेंट करने के काम आता है आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका डिफ्रेंशिएशन आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन कोड्स अब देखते हैं कि किसी लाइन कोड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन कोड्स सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि लाइन कोड्स को यूज़ करने के लिए जो बैंडविथ का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है सो वी कैन राइट हेयर दैट बैंडविथ यूज बैंडविथ यूज इस रिड्यूस्ड क्योंकि देखो अब हम जो सिग्नल है उसको किसी तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऐसे सिग्नल के अंदर जो कम बैंडविथ को यूज़ करके हम भेज सकें तो हम कह सकते हैं कि लाइन कोडिंग में बैंडविथ का यूज़ रिड्यूस हो जाता है then second is power is efficiently used so the power is efficiently used the third is probability of error is reduced probability of error is reduced फोर्थ इज एरर डिटेक्शन इज डन सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटीज आर देयर कि हम एरर को डिटेक्ट भी, भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटीज ठीक है सो so, देर आर समीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ़ लाइन कोर्ट्स एक और प्रॉपर्टी है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी दट द क्रॉस टॉक बिटवीन चैनल्स मस्ट बी मिनिमाइज क्रॉस टॉक बिटवीन चैनल्स मस्ट बी मिनिमाइज अब क्रॉस टॉक को मिनिमाइज करने से क्या होता है कि जो एरर है वो कम होता है सो दीज आर समर्टीज ऑफ लाइन कोड्स नाउ यू विल सी द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग्स सो द टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग सबसे पहले देखते हैं यूनिपोलर आर जी फॉर्मेट और इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर रिटर्न टू तो जीरो आर जी का मतलब होता है रिटर्न टू तो जीरो अब इसमें जो जीरो होता है जीरो मतलब लो सिग्नल सो ईच जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑफ पल्स दैट मीन्स जो उसका एम्पलीट्यूड होगा ए के वो ज़ीरो होगा वेर एज़ ईच वन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑन पल्स जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए के बराबर जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं पूरा एम्पलीट्यूड होगा बट जो इसकी ड्यूरेशन होगी ना वन की वो जो टाइम पीरियड है उसकी हाफ होगी ठीक है तो देखो इसको बनाएंगे कैसे सपोज अगर हमारे पास एक सिग्नल है ऐसे है कुछ वन देन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन तो इसको जब हम यूनिपोलर आर जी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे इसमें आपको कुछ इस तरह से मिलेगा तो वन है दैट मीन्स कि हाई है तो वन को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस ए से और सपोज हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे कहीं पे है मैं यहां पे ये मार्क कर देता हूं जो हमारा टाइम पीरियड है ठीक है तो मैं हरेक के लिए मार्क कर देता हूं टाइम पीरियड इजी रहेगा उससे समझना कि कैसे ये काम कर रहा है सो so, ये हमने टाइम पीरियड मार्क कर दिया हरेक का तो अब देखो होगा क्या वन है दैट मीन्स एम्पलीट्यूड होगा ए बट सिर्फ टी बी बाई टू यानी हाफ टाइम पीरियड के लिए यानी कि देखो ऐसे हाफ़ तक ऊपर रही उसके बाद इमीडिएटली नीचे आ जाएगी ज़ीरो पे ठीक है बाकी ये फिर ऐसे ही रहेगा ज़ीरो के लिए पूरा ज़ीरो रहेगा वन के लिए दोबारा से हाफ के लिए ऊपर देन नीचे तो ये कुछ इस तरह से वेब फॉर्म बनेगी ऐसे गई ऐसे देन ज़ीरो रही फिर ये हाफ के लिए ऊपर हो गई फिर ये ज़ीरो चलेगी ज़ीरो के लिए ज़ीरो रहेगी फिर वन आया तो हाफ के लिए प्लस ए एम्पलीट्यूड देन ज़ीरो पे आ जाएगा देन दोबारा से वन के लिए प्लस ए एम्पलीट्यूड, ठीक है so, सो अगर इसको हम ज़्यादा क्लियरली शो करें तो देखो ये वेवफॉर्म फॉर्म कैसी बनी है कुछ इस तरह से बनी है ऐसे ज़ीरो रही फिर ये वन के लिए ऊपर हो गई फिर ये ज़ीरो रही पूरी वन के लिए ऊपर हुई हाफ टाइम के लिए फिर जीरो हो गई फिर वन के लिए हाफ टाइम के लिए ऊपर हो गई और हाफ टाइम पे ही दोबारा से ज़ीरो हो गया ठीक है सो ये जितने भी ऊपर वाले हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिकल वन को और जितने भी ये ज़ीरो वाले हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज़ीरो को सो दैट इज़ यूनिपोलर आर जी फॉर्मेट तो ये हम दिखा सकते हैं दिस इज दिस टाइम पीरियड वाला जो पॉइंट है वाला पॉइंट टी बी बाई टू ठीक है सो दिस इज यूनिपोलर आरजी फॉर्मेट, देन वी विल सी फॉर यूनिपोलर एनआरजी और एनआरजी क्या होता है नॉन रिटर्न टू जीरो नाउ ईच वन इज रिप्रेजेंटेड बाय पल्स ऑफ फुल बिट ड्यूरेशन टीबी अब इसमें क्या है कि हाफ बिट पे हाफ टाइम पे जीरो पे नहीं आएगा और एम्पलीट्यूड होगा प्लस एप जबकि जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंपल ऑफ पल से सो इसी वाली सीक्वेंस का मैं आपको बना के दिखाता हूं दोबारा से फॉर यूनिपोलर एन सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं सो so, देखो दोबारा से यहाँ पे टाइम पीरियड में बना लेता हूं एक बार ऐसा टाइम पीरियड का पूरा आप सिंगल में बना लोगे तो आपको सॉल्व करने में काफी इजी रहेगा एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन कैसे होता है कि आपको एक सीक्वेंस गिवन होती है और नंबर ऑफ एनकोडिंग्स के अंदर आपको उसे शो करना होता है तो उस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हो जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ सेम ये पूरा आप एक तरह से बना सकते हो ठीक है सो लेटेस्ट से दिस इज प्लस ए एम्पलीट्यूड तो वन है तो पूरा रहेगा अब फिर ज़ीरो पे आएगा ज़ीरो के लिए ज़ीरो चला देन वन आया तो वन के लिए पूरी टाइम के लिए वन रहेगा फिर ज़ीरो के लिए तो जीरो ही रहेगा अगेन जीरो है तो ज़ीरो रहेगा फिर वन है तो ऊपर जाएगा दोबारा से वन आया तो वो फिर ऊपर ही रहेगा देन अगेन ज़ीरो आएगा सो दिस इज़ फॉर यूनिपोलर एनआर सेट और डिफरेंट क्लास में शो कर रहा हूँ ताकि इजिली क्लियर हो जाए कि जो वेव फॉर्म है वो एग्जैक्टली exactly कैसे बनी है अब देखो इसमें यूनिपोलर क्यों हो रहा है क्योंकि जीरो के अलावा हम सिर्फ एक ही वोल्टेज को यूज़ कर रहे हैं जो प्लस ए एम्पलीट्यूड के बराबर हो रही है ठीक है सो दिस इज यूनिपोलर एन आर सेट नाउ लेट एस सी फॉर पोलर रिटर्न टू जीरो दैट इज पोलर आर जेड फॉर्मेट पोलर आर में क्या होता है कि लॉजिक वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ए बाई टू से और लॉजिक जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ए बाई टू से ठीक है सो देखो अब इसमें क्या हो रहा है पोलर आर जेड में अदर देन जीरो हम दो यूज कर रहे हैं प्लस ए बाई टू एंड माइनस ए बाई टू और जीरो का शो हो रहा है बिट ड्यूरेशन क्योंकि टी बाई टू है बिट ड्यूरेशन पूरी नहीं है बिट ड्यूरेशन हाफ की है तो अब इसी वाली का देखो कैसे बनेगा पोलर आर जेड पी सो आपको ये सब तो पॉइंट्स याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि पूरा हम कैसे ड्रॉ करते हैं अब देखो इसमें माइनस और प्लस है तो मैं सेंटर में लाइन ले, ले लेता हूं दिस इज प्लस ए बाई टू एंड दिस इज माइनस ए बाई टू और अगेन हम यहाँ पे ड्यूरेशन को बना लेंगे टाइम ड्यूरेशन बनाना काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है सो लेट अस ड्रॉ दिस अब इसके बाद देखते हैं कि अब कैसे होगा देखो तो वन है वन को किससे रिप्रेजेंट करोगे प्लस ए बाई टू फॉर टी बी बाई टू टाइम ड्यूरेशन यानी कि यहाँ तक कहीं जाके ये दोबारा ज़ीरो पे वापस आ जाएगा ठीक है और उतने टाइम के लिए अब ये इधर ही रहेगा देन ज़ीरो है तो माइनस ए बाई टू फॉर हाफ टाइम यानी यहाँ से इधर गया फिर दोबारा वापस आ गया क्योंकि रिटर्न टू ज़ीरो है रिटर्न करेगा देन ऐसे रहेगा वन आया प्लस ए बाई टू ऐसे बनेगी वापस आ गया ज़ीरो है तो नीचे जाएगा हाफ तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा देन जीरो है दोबारा से नीचे जाएगा हाफ तक जाएगा वापस आ जाएगा देन वन है तो ऊपर जाएगा हाफ के लिए वापस फिर वन है तो ऊपर जाएगा हाफ़ के लिए और वापस ठीक है सो दिस इज़ फॉर पोलर आर जेड और देखो इसकी जो वेब फॉर्म बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है यहाँ से गया देन इधर से नीचे आ गया फिर इधर फिर यहाँ से ऊपर सो so, एक बार कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है कि कैसे बनता है कि जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और वन को बस इतना आपको पॉइंट्स को नोट करके रखना है और फिर अगर क्वेश्चन भी आता तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो सो दिस इज फॉर पोलर आर जेड नाउ लेट सी फॉर एन आर जेड जैसे कि पता लग रहा है कि इसमें भी क्या होगा रिटर्न टू ज़ीरो नहीं है एन आर जेड है सो प्लस ए बाई टू फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन यहाँ पे हाफ ड्यूरेशन थी यहाँ पे कंप्लीट ड्यूरेशन फॉर लॉजिक वन एंड माइनस ए बाई टू फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ लॉजिक जीरो सो इसी का बनाते हैं अब एक बार देखते हैं सो प्लस ए बाई टू यहाँ ले लेता हूँ माइनस ए बाई टू इधर देन अगेन मैं एक बार ये बना के दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ सो प्लस वन है तो कहाँ पे जाएगा प्लस ए बाई टू कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए यानी यहाँ से लेके कर यहाँ तक ज़ीरो है तो माइनस ए बाई टू के लिए पर कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए फिर प्लस वन है तो ए बाई टू देन दो जीरो है तो माइनस ए बाई टू एंड देन दो वन है तो प्लस ए बाई टू So, इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इसकी वेवफॉर्म फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह से so, अभी हमने चार डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे हैं पोलर आर जेड पोलर आर जेड एंड पोलर सॉरी यूनिपोलर आरजेड यूनिपोलर आर जेड पोलर आरजेड एंड पोलर एन आर जेड अब हम देखेंगे बाकी के जितने फॉर्मेट्स हैं द फिफ्थ टाइप ऑफ लाइन कोडिंग इज बाई पोलर एन आर जेड इन दिज द सक्सेव आर रिप्रजेंटेड बाई पल्स विद ऑल्टरनेटिंग पोलरिटी देखो होता पूरा है लेवल यानी प्लस ए ज़ीरो और माइनस ए ज़ीरो के लिए कोई पल्स ट्रांसमिट नहीं होती जबकि वन के लिए पूरी प्लस ए ट्रांसमिट होती है फुल टाइम के लिए बट हर वन के लिए अपोजिट ट्रांसमिट होती है जैसे देखो पहले वन है तो उसकी हम हाई में ट्रांसमिट करेंगे प्लस ए जीरो के लिए कुछ ट्रांसमिट नहीं होगी देन सेकेंड वाले वन के लिए हम नेगेटिव ट्रांसमिट करेंगे माइनस ए फिर ज़ीरो के लिए कुछ नहीं होगा अगेन जीरो के लिए कुछ नहीं होगा फिर वन के लिए हाई में ट्रांसमिट होगी प्लस ए और इस वाले वन के लिए लो में ट्रांसमिट होगी माइनस ए सो दिस इज बाई पोलर ठीक है सो so, देखो इसकी वेव फॉर्म कैसे बनी ऐसे देन यूरा उसके बाद जीरो के लिए तो जीरो ही रहेगा फिर वन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चली गई फिर अगेन वन आया तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया सो दिस इज फॉर बाई पोलर एन आर जेड देन वी हैव दिस स्प्लिट फेस मैनचेस्टर फॉर्मेट इन दिस अ सिंपल वन और द लॉजिक वन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव पल्स ऑफ प्लस ए बाई टू फॉर वन हाफ ऑफ सिंपल ड्यूरेशन फॉलोड बाय नेगेटिव पल्स ऑफ माइनस ए बाई टू फॉर रिमेनिंग हाफ ड्यूरेशन ठीक है सो इसमें क्या होता है कि प्लस वन को हम प्लस ए बाई टू देते हैं पहले हाफ टाइम के लिए और फिर माइनस ए बाई टू अनदर हाफ टाइम के लिए और जो जीरो है उसका रिवर्स ऑर्डर होता है ठीक है so, सो लेटस्ट सी दी एग्जाम्पल एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है So, ए मैं फिर से टाइम ड्यूरेशन बना लेता हूँ दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ सो so, यहाँ पे हम लेंगे प्लस ए बाई टू सो दिस इज सपोज प्लस ए बाई टू और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस ए बाई टू अब प्लस वन के लिए पहले प्लस ए बाई टू रहेगा फॉर हाफ ड्यूरेशन दैट मीन्स इतना और सेकेंड हाफ डोरेशन के लिए माइनस ए बाई टू यानी ऐसे तो ये वन को हमने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह से देन जीरो के लिए रिवर्स ऑर्डर यानी पहले माइनस ए बाई टू और फिर प्लस ए बाई टू तो जीरो है सो माइनस ए बाई टू हाफ ड्यूरेशन के लिए फिर प्लस ए बाई टू ठीक है सो देखो इसमें हमने प्लस वन को कैसे रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह से z की फॉर्म में और जीरो को कैसे प्रेजेंट किया कुछ इस तरह से अपोजिट z की फॉर्म में ठीक है so अब देखो बाकी का पूरा कैसे बनेगा फिर बनाया तो यानी प्लस ए बाई टू z की फॉर्म बनाओ नीचे तक आ जाओ ठीक है ज़ीरो है तो अगेन अपोजिट डायरेक्शन में z की फॉर्म बनाएंगे इधर आ जाएंगे अब फिर से ज़ीरो है तो पहले नीचे जाएंगे ठीक है यहां तक आ गया ये इधर फिर ज़ीरो तो पहले माइनस ए बाई टू यानी यहाँ तक और फिर प्लस ए बाई टू यानी यहाँ फिर वन है तो कुछ इस तरह से फिर दोबारा वन है तो कुछ इस तरह से सो so, कुछ ऐसा आपको दिखेगा जब आप देखोगे कि स्प्लिट फेस मैनचेस्टर ओड एनकोडिंग कैसे होती है तो so, इसकी कंप्लीट आप साइकिल बना सकते हो इधर ये ठीक है सो दिस इज स्प्लिट फेस मैनचेस्टर फॉर्मेट एंड द लास्ट फॉर्मेट इज पोलर क्वाटररी एनआरजेड फॉर्मेट इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम मैसेजेस के पेयर बनाते हैं अब अगर आपके पास दो symbol हैं जीरो एंड वन तो कितने पेयर बनेंगे चार और उन चार पेयर्स की जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी यहाँ पे वैल्यूज गिवन है और ये वैल्यू होती है कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए ठीक है सो जीरो जीरो अगर है दो सिंबल्स इकट्ठे हैं जीरो जीरो तो उसका होगा माइनस थ्री ए बाई टू जीरो वन का होगा माइनस ए बाई टू वन जीरो का होगा ए बाई टू और वन वन का होगा थ्री ए बाई टू सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज फॉर कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन हाफ टाइम के लिए नहीं होता ये कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं ठीक है so, सो यहाँ पे आपको लेवल्स लिखने हैं सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये प्लस थ्री ए बाई टू है ये ए बाई टू है जीरो है देन माइनस ए बाई टू है और माइनस थ्री ए बाई टू है ठीक है अब देखो सिंबल आया वन वन नहीं देखेंगे हम देखेंगे दो का पेयर तो सिंबल क्या है हमारे पास वन ज़ीरो सो वन ज़ीरो के लिए क्या है थ्री ए बाई टू तो यानी पूरी दो डूरेशन्स के लिए ये ऐसे रहेगा ठीक है फिर आया दोबारा से वन ज़ीरो तो यानी दोबारा से क्या होना चाहिए इसका इसमें होना चाहिए दोबारा से हमारे पास प्लस थ्री ए बाई टू है ना? सो अगेन ऊपर ही रहेगा ये सो so, इसको आप हटा सकते हो और दोबारा से इसको यहाँ तक हम कर सकते हैं ऊपर उसके बाद आया ज़ीरो वन जीरो वन में क्या होना है माइनस ए बाई टू यानी अभी नीचे चला जाएगा कहाँ तक माइनस ए बाई टू तक ज़ीरो वन यहाँ तक फिर इसके बाद जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा तो इसमें जो हमारे पास ये पेरिंग है उस पेरिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या सीक्वेंस बनेगी सो so, जो इसकी वेब फॉर्म बन रही है कुछ इस तरह से बनेगी ये पूरा रहेगा यहाँ तक ऊपर देन नीचे आएगा यहाँ पे And again, you okay. So these are some of the types of line coding. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.